बहुजन समाज पार्टी पंजाब ने किया आम आदमी पार्टी के नेता के घर का घेराव। आम आदमी पार्टी की नेता अनमोल गगन मान, इन्होंने दिया था संविधान विरोधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विरोधी बयान। संविधान के सम्मान में बसपा मैदान में ऐसे नारे लगाए गए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, इनके नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान, इनके घर का घेराव किया गया। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, भगवंत सिंह मान इनके घर के घेराव को लेकर संपूर्ण बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो सड़कों पर उतर आए। ये इस आंदोलन के पीछे का मकसद यह है कि आम आदमी पार्टी की एक नेता अनमोल गगन मान, इन्होंने संविधान विरोधी बयान देकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भारत के संविधान का अपमान किया था और इस आम आदमी पार्टी की संविधान विरोधी मानसिकता का एक और सबूत उन्होंने पेश किया था। और इसी विरोध में बहुजन समाज पार्टी जो है आज इतना बड़ा जो है आंदोलन पंजाब के अंदर कर रही है। आपको बता दें कि जब से बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी इनका गठबंधन हुआ है, तब से आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इन तीनों के खेमे में जो है हलचल सी मची हुई है और आए दिन वो संविधान विरोधी बातें, संविधान विरोधी बयानबाजी वो करते रहते हैं। और बहुजन समाज पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष है सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, इनका क्या कहना है आइए जानते हैं। जिस तरीके नाल आप दी कलाकार आगू बीबी अनमोल जी ने संविधान नूं घटिया और गलत दस के संविधान विरोधी आम आदमी पार्टी की मानसिकता का मुजहरा किया, ये पूरे ही बाबा साहब अंबेडकर का जिथे उन्हां दी कलम का जिथे अपमान किया गया, उत्थे भारत के संविधान का अपमान किया गया। उहदे खिलाफ ना आम आदमी पार्टी ने कोई कार्रवाई की, ना कांग्रेस सरकार ने कोई कार्रवाई की। कांग्रेस सरकार के रवनीत पिट्टू ने और भाजपा के केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने और कांग्रेस के अजीत सिंह मोफर साहब ने जिहड़ी बहुजन समाज नूं, दलतां नूं, पछड़िआं नूं जाति सूचक शब्दां दे नाल कदी गैर पंथक दस्या, कदी अपवित्र दस्या, हुण तां हरामी तक दे शब्द वरत दित्ते गए आ। बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज दे इस अपमान नूं, दलित पछड़े दे अपमान नूं, गरीबां दे अपमान नूं बिल्कुल भी सहन नहीं करदी। असीं बहुजन समाज दे मान सन्मान लई, पंजाब दे दलित पछड़े गरीब गरीबां दे सन्मान दे लई असीं जिहड़ा हैगा संघर्ष छेड़ चुके हां। अज तीजा इस लड़ी का संघर्ष है, तीजी यात्रा है साड़ी। असीं बहुजन समाज दे सन्मान दे लई कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी इन्हां नूं सबक सिखाउण दा काम कर रही। बहुजन समाज पार्टी पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष सरदार जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों के तीनों मनुवादी पार्टियां हैं और इन तीनों की जो है संविधान विरोधी मंशा, संविधान विरोधी मानसिकता सबके सामने अब उजागर हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा है कि इनकी इन मनुवादी मानसिकता को हम सफल नहीं होने देंगे। साथ ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान, इस देश के दलितों पिछड़ों का अपमान और संविधान का अपमान बहुजन समाज पार्टी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी को हो या कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उन्हें सबक सिखाना बहुजन समाज पार्टी बखूबी जानती है। इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।